हाँ वही है, ये क्या कहिए, क्या कहिए, कश्मीरी में क्या बोलते हैं क्या हवा, कहिए, क्या हवा नसर, क्या क्या कहिए कहिए। है कितनी अच्छी। पहले मेरी रीडिंग सुनो जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद आप रीडिंग करोगे। सारे बच्चे बुक की तरफ देखो, ओके सर, सारे बच्चे देखो, और रीडिंग में जिसको मिस्टेक हो जाएगी ज्यादा फिर अच्छा नहीं होगा बेटा। मेरी अम्मी क्या कहिए है कितनी अच्छी, मेरी अपनी प्यारी अम्मी, जब मैं बिल्कुल नन्हा सा था उनकी गोदी में रहता था, उनकी हरदम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी ना खबर थी, अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान मेरा हर आन है उनको। देखो मैं आप रीडिंग कर रहा हूँ, आप बातें कर रहे हो, सर आपको एब्सेंट लगाऊंगा अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो, सर सर कर रहे हो। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन करो। मेहरबान थी सर, मैं इस प्यारी अम्मी की रीडिंग कर रही थी। मुझे इतनी रीडिंग नहीं आती, मैं इसकी रीडिंग कर रही थी, मैं बातें नहीं कर रही थी। बैठो सुनो, मैं रीडिंग जो कर रहा था, आप कैसी रीडिंग कर रहे थे? मैं जो रीडिंग कर रहा था यहाँ, तो आपको सुनना चाहिए ना, आपके रीडिंग में मिस्टेक्स हैं, वो कैसे दूर हो जाएंगे? सर मैंने नहीं किया कल रीडिंग। खामोश बैठो। उनकी हरदम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी ना खबर थी, एंड वाला पैरा पढ़ रहा हूं मैं, अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान मेरा हर आन है उनको, खूब बड़ा जब हो जाऊंगा सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा। सर मैं पढ़ू रिबा, सर नहीं मैं पढ़ू नहीं कोई नहीं रिबा, पढ़ेगा। सर मैंने नहीं पढ़ा कल, सर हाजी मैंने नहीं, कल भी नहीं सर पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, सर हाजी नहीं मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, सर सर मैं मैं खुद पढ़ू, ही बोल रहा हूँ, मैंने शकील भी नहीं पढ़ा। पढ़ेगा, ओके सर, चले जिगर पढ़ो, मेरी अम्मी क्या बिस्मिल्ला कौन कहिए पढ़ेगा, है बिस्मिल्ला। देखो कुछ देखो सुनो बेटा, बिस्मिल्लाह कल से वही बच्चा रीडिंग, रहमान कल से रहीम, वही बच्चा रीडिंग, बिस्मिल्लाह और सुनो ना मेरी बात, कल से वही बच्चा रीडिंग करेगा जो पहले बिस्मिल्ला पढ़ेगा, जो बिस्मिल्ला नहीं पढ़ेगा उसको रीडिंग करने की इजाजत नहीं होगी। पढ़ा, ओके सर बिस्मिल्लाह, सर मैंने किया बिस्मिल्लाह। चले जिगर चलिए। मेरी अम्मी क्या कहिए है कितनी अच्छी, मेरी अपनी प्यारी अम्मी, जब मैं बिल्कुल नन्ना सा था उनकी गोदी में रहता था, उनकी हरदम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी ना खबर थी, अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान मेरा हर आन है उनको, खूब बड़ा जब हो जाऊंगा सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा। सर मैंने की रीडिंग, ओके जिगर सुना मैंने, सर नहीं सुन पाएगा। मिशन 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 बोला ना, मिशन करेगा, मिशन में क्या नाम है इसका, इजाज़त के साथ कौन बैठा है? सर कोई नहीं बैठा है। एक मिनट में दिखाता हूं कौन करेगा रीडिंग। ये करेगा रीडिंग रोल नंबर 23। सर मैं 23 के बाद मैं करूं, सुनावर अली सर मैं करूं, क्या कहिए कितनी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा, जब मैं बिल्कुल नन्हा सा था उनकी गोदी सुनावर, खामोश हो जाओ आप, अब आप नहीं कर सकते हो रीडिंग, आप एब्सेंट लग गए हो, आपको बोला बार बार, आप डिस्टर्बेंस रहिएगा क्लास में, आप नहीं कर सकते हो रीडिंग, आप एब्सेंट हो आज। करूं। जो बच्चा जूम में डिसिप्लिन से नहीं बैठेगा, रीडिंग डिसिप्लिन से नहीं करेगा, सर इधर उधर भागेगा हंसेगा, वो एब्सेंट लगेगा। आपको मैं अभी जूम से सर निकाल दूंगा, याद रखो।
अब आपको रीडिंग नहीं करनी है, बस सब मैं करूं। सर मैं करूं अदीबा। चलिए अदीबा करो बेटा आप। ओके सर। औज़ बिल्लाह मिन शैतान जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मेरी अम्मी क्या कहे हैं कितनी अच्छी मेरी। सुनो एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट सुनो। पर अभी इसके बाद रीडिंग नहीं कर पाएगा, इसको इसको पनिशमेंट देनी है पहले, फिर उसके बाद। इसको मैंने बोला रीडिंग करो और ये हंस रहा है, मजाक समझा है इसने जूम को, क्लास को। इसको जूम से निकाल देंगे आप। जो बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, डिसिप्लिन से नहीं बैठेगा, डिसिप्लिन से नहीं रीडिंग करेगा, डिसिप्लिन से नहीं सुनेगा, उस बच्चे से कोई भी प्यार नहीं करता है। उस बच्चे से कोई भी प्यार नहीं करता है। और उसको एब्सेंट लगेगा हर दिन एब्सेंट, फिर इसको एंड में पार्ट। अब आप सर मुझे हंस रहा था। आपको क्या जरूरत थी हंसने की, आपको और हाजिक को, आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। आपको ज्यादा ही, आपको जब बोला था मैंने रीडिंग करो, आप क्या कर रहे थे, इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे आप। चलिए अजीब अजी कर पढ़ो आप। ओके सर। जब मैं बिल्कुल नन्हा सा था उनकी गोदी में रहता था, जब भी उनकी गोदी में रहता था, गोदी में रहता था, उनकी हरदम मुझ पे नजर थी, उनकी हरदम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी न खबर थी। ओके। जब भी आप भी मेरा जब भी कहाँ है अब भी मेरा ध्यान है अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान मेरा हर आन है, खूब बड़ा जब हो जाऊंगा सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा। इंशाल्लाह है ना, इंशाल्लाह को पढ़े आप। इंशाल्लाह सर मैं पढ़ू, जब बड़ी हो जाऊंगी तो मामा को क्या पहुंचाऊंगी। सर जैद पढ़े आप। जब बड़ी हो जाऊंगी तो किसको, मम्मा को सुख। जैद परसों आपने साथ, जैद परसों आपने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया है, इसलिए मैंने आपको भी नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको भी रीडिंग नहीं कर पाओगे। आपने भी इंडिसिप्लिन क्रिएट किया परसों। आयमन पढ़ो। मेरी अम्मी क्या उनकी गोदी में रहता था, उनकी हर दम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी ना खबर थी, अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान में मेरा आन है उनको, खूब बड़ा जब हो जाऊंगा सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा। खूब जब बड़ा हो जाऊंगा, यहाँ अगर लड़की होगी तो क्या पड़ेगी, खूब जब खूब बड़ा जब हो जाऊंगी सुख अम्मी को पहुंचाऊंगी। हाँ खूब बड़ी जब हो जाऊंगी सुख अम्मी को। चलो सुनो बेटा, बेटा सुनो गौर से सुनो, जैद आपको जैद सुनो, जैद आपको आखिरी वार्निंग है। परसों आपने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया था, इसीलिए मैंने आपको आपकी रीडिंग बंद की थी। आज के बाद आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आपसे रीडिंग नहीं करवाएंगे। ओके, तो जैद को आज माफ किया जाता है, इसके बाद ये कभी इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा। आप जैद आज जो है रीडिंग कर सकता है। सर मैं नहीं अब करूंगा। जैद जो है आज कर सकता है, रीडिंग कर सकता है। उसके बाद है सनोवर है और वो कौन है हाजिम, इन दोनों को पनिशमेंट मिल सकती है। चलिए जैद आप रीडिंग करो। प्यारी मेरी क्या कहिए
चलो दूसरा कौन है आपके साथ, दूसरा जो था इंडिसिप्लिन क्रिएट किया जिसने, वो कौन है? अपनी प्यारी अम्मी। एक मिनट उसके बाद इसको पढ़ने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जब मैं बिल्कुल नन्हा सा था, उनकी गोदी में रहता था, उनकी हर दम मुझ पे नजर थी, मेरे सिवा अपनी माँ खबर थी। अब भी मेरी एक मिनट जैद, आपने परसों इंडिसिप्लिन क्रिएट किया ना, कौन पकड़ो इसके बाद करोगे? करोगे गड़बड़? नो सर। कौन पकड़ो, कौन कर था? सर मैं करूं रीडिंग सीजर। नो, अभी उसने जैद ने कहा की है कंप्लीट, आप देखती नहीं हो। तो इसके बाद आज आपको आखिरी वार्निंग है जैद, ठीक है? ओके सर। चलिए आगे पढ़िए। अब भी मेरा ध्यान है उनको, पढ़ो यहाँ से। अब भी मेरा ध्यान है उनको, ध्यान मेरा हर आन है उनको। खूब बड़ा जब हो जाऊंगा, खूब बड़ा जब हो जाऊंगा, सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा। आप घर में रीडिंग की प्रैक्टिस किया करो, आपको रीडिंग, आपकी रीडिंग बहुत कमजोर है, घर में रीडिंग की जब प्रैक्टिस करो, कल मैं सुनूंगा सब बच्चों से। चलो मैं आज आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ। यस सर। सनावर क्या कर रहे हो? सनावर अली और हाजिम अब्बास दोनों गौर से सुने, मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा। आप सारे बच्चे गौर से सुने। ओके सर। मेरी अम्मी क्या कहिए है कितनी अच्छी, मेरी अपनी प्यारी अम्मी, यानी मेरी अम्मी के बारे में आपको क्या बोलूं मैं, मेरी अम्मी कितनी अच्छी है। सुनावर अभी बाज नहीं आ रहे हो आप? सर मैं सुन रहा हूँ। आप दाएं बाएं देख रहे हो, हाजिम की तरफ देख रहे हो, बुक की तरफ देखो। क्या कहिए है कितनी अच्छी मेरी अपनी प्यारी अम्मी। कहते हैं कि ये बोलता है कि क्या कि ये मेरी अम्मी कितनी अच्छी है। मैं बिल्कुल नन्ना सा था, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, बच्चा था, उनकी गोदी में रहता था, उनकी गोदी में रहता था, वो अपनी गोदी में मुझे रखती थी, उनकी हर दम मुझ पर नजर थी, हमेशा उनकी नजर मुझ पर थी कि बच्चा इधर न चला जाए उधर न चला जाए, फिक्र से रहता था। हाँ बेटा चलिए आगे। जब मैं बिल्कुल नन्ना सा था, कहते हैं बच्चा बोलता है जब मैं बिल्कुल नन्ना सा था, गोया के सनोवर बोल रहा है, जब मैं बिल्कुल नन्ना सा था, उनकी गोदी में रहता था, तो उनकी गोदी में रहता था, उनकी हर दम मुझ पर नजर थी, हमेशा उनको मेरा ख्याल था, मेरी फिक्र थी, मेरे सिवा अपनी ना खबर थी। पनुन ओसन तेमस फिक्र, इसमें मौज ओस तेमस पनुन फिक्र के तेमस ओस म्यून ओस फिक्र। अब भी मेरा ध्यान है उनको, अभी भी उनको मेरी फिक्र है, मेरा ख्याल है, ध्यान मेरा हर आन है उनको। हर आन, आन किसको बोलते हैं? हर वक्त, कश्मीरी में बोलते हैं प्रेस साथ। हर वक्त उनको मेरा ख्याल है। खूब बड़ा जब हो जाऊंगा, सुख अम्मी को पहुंचाऊंगा, बोलता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी मम्मा को सुख पहुंचाऊंगा।
चलिए उसके बाद है नंबर वन लिखा है नीचे नीचे, चलिए नीचे देखिए, पढ़िए और समझिए। अम्मी किसको बोलते हैं? माँ को। नन्ना छोटा, गोदी माँ की गोद, ध्यान ख्याल, सुख आराम, हर आन हर पल हर वक्त। बेटा ये आपको गौर से सुनिए बेटा, जो मैं बोलूंगा वो गौर से सुनो, उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा। हाजिम आपकी तरफ भी देख रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड जो हैं आपको कॉपी पर उतारने हैं, फेयर कॉपी पर। एक साइड में ये लिखोगे आप, क्या लिखोगे देखो बुक की तरफ। अम्मी सर? नन्ना हाँ सर? मैंने ये लिखा है। मैं सबको जनरल में बोल रहा हूँ, जिसने लिखा होगा वो लिखेंगे। सर क्या लिखना है? सर क्या लिखना है? सर आप वीडियो भेजोगे? आप सुनोगे तो सही, तब मैं बोलूंगा। देखो जिगर, अम्मी नन्ना गोदी ध्यान सुख हर आन, आपको बोला है कि ये, आपको मैंने बोला कि ये वर्ड मीनिंग जो है आपको कॉपी पे फेयर कॉपी पे लिखना है एक साइड में, दूसरी साइड में ये इसकी मीनिंग लिखनी है। फिर से बोलिए क्या क्या लिखना है। ये जो नीचे लिखा पढ़िए और समझिए, ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। अम्मी इसकी मीनिंग क्या है? माँ। नन्ना उसकी मीनिंग है छोटा, गोदी माँ की गोद, ध्यान ख्याल, सुख आराम, हर आन हर पल हर वक्त। ये आपको कॉपी पर लिखना है, इसकी मीनिंग जबानी याद रखनी। अम्मी की मीनिंग क्या है? माँ। नन्ना की मीनिंग क्या है? छोटा बच्चा। गोदी की मीनिंग क्या है? माँ की गोद। ध्यान की मीनिंग क्या है? ख्याल। ये आपको फेयर कॉपी पे उतार कर कल मैं आपको देखूंगा ये, ओके? मैं सर फेयर कॉपी, फेयर कॉपी पर ये वर्ड मीनिंग लिखोगे आप? यस सर। सर ये सर आप पीडीएफ भेजोगे? इसका पीडीएफ नहीं होता है, मैंने पढ़ा दिया ना, अब आपको समझा भी दिया मैंने कैसे लिखना है। ये एक साइड में कॉपी पर लिखना, आप सुनो ना यहाँ की बात, कॉपी पर आप लिखोगे एक साइड में ये वर्ड, बीच में मार्जिन डालोगे, दूसरी साइड में इसकी मीनिंग लिखोगे, वो बुक पर लिखी हुई है इसकी मीनिंग। पीडीएफ भेजने की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ भेजा जाएगा क्वेश्चन आंसर, ओके? सुना बेटा? तो आप कल ये फेयर कॉपी पर सुना, सारे बच्चे फेयर कॉपी पर ये वर्ड मीनिंग लिखोगे 6 की, और उसके बाद पढ़ेंगे कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पेज नंबर 78। क्या पढ़ेंगे? ओके सर। क्या पढ़ेंगे कल? पेज नंबर 78। मैं देख रहा हूँ ना कौन बच्चा मेरी बात सुन रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। 78 पढ़ेंगे कल, कल पढ़ेंगे। आज हम, आज मैंने जो आपको बोला वर्ड मीनिंग यही आप करोगे, ओके? वर्ड मीनिंग कॉपी पर लिखोगे भी और मुझे पता है कब करनी है। जो मैंने आपको बताया वर्ड मीनिंग, ये आप कॉपी पर लिखोगे, कल हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 8 इंशाल्लाह। चलिए अटेंडेंस सुनिए आप। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं एक ही बार बोलूंगा। माइक बंद रखो। बोला माइक बंद रखो, जिसका माइक ऑन होगा वो एब्सेंट लगेगा। बोलो मेहरबान। रोल नंबर 1 2 रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। ओके बेटा। 3 4
फायो प्रेजेंट सर। फायो कौन है? इज्जा जान। इज्जा जान ओके बेटा। सिक्स सेवन एट प्रेजेंट सर। सर एट है प्रेजेंट। थोड़ा बोना ओके रुतबा सर प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 तारिक मामा तारिक प्रेजेंट सर। ओके बेटा 12 प्रेजेंट सर। आयमन ओके 13 14 प्रेजेंट सर। क्या नाम है? आयन 15 ओके 15 प्रेजेंट सर। 15 16 17 18 19 सर मैं जाऊं वॉशरूम। मैंने बोला ना माइक बंद रखो सारे बच्चे। रोल नंबर 18 19 20 20 को मैंने प्रेजेंट किया। 21 वैसे ही आप मुझे कल मैं पूछूंगी आपको रिलेटेड आगे हमेशा आ आता है एंड वॉवेल्स के आगे हमेशा सर 22 प्रेजेंट सर। मैंने किया बेटा प्रेजेंट। ये माइक बंद रखो कौन पढ़ा रहा है यहाँ? प्रेजेंट सर। ओके बेटा आज मैंने आपको माफ किया है। कल से ऐसी मिस्टेक की तो आपको जूम से निकाला जाएगा आपको भी और दूसरे को भी। ओके सर। दोनों को निकाल दूंगा मैं याद रखना इसलिए डिसिप्लिन से बेटा रहिएगा। आप अच्छे बच्चे हो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो डिसिप्लिन वाले बच्चे हो। ओके सर। अब कल से तो नहीं गलती होगी? नो सर। नो सर। दोनों से है? यस सर। नो सर। हाँ याद रखना मैं आपको मैच मैच करके रखूंगा। सर मुझे फोन डाउन हो रहा है। कोई नहीं अभी थोड़ा टाइम बचा है। 23 24 25 प्रेजेंट सर। ओके जिगर 26 27 28 29 30 31 32 33 33 प्रेजेंट सर। ऑल अबाउट 33 प्रेजेंट सर। क्या नाम है जिगर? हाजिर बाबा। हां हाजिर। ओके सर। ओके 34 34 प्रेजेंट सर। रुबान शत्रु हो सर। बेटा आज प्रैक्टिस करोगे रीडिंग रीडिंग को कल मैं आपकी रीडिंग सुनूंगा। ओके सर। हां बेटा 35 प्रेजेंट। ओके बेटा मैंने किया प्रेजेंट। 31 32 33 अकील आप प्रेजेंट लगे? यस सर आपने बोला 35 प्रेजेंट है। 33 34 34 34 प्रेजेंट सर। रोबान यस सर।
रुबान कल मैं आपकी रीडिंग सुनूंगा, ओके ओके सर। हाँ आज प्रैक्टिस करोगे, कल रीडिंग सुनूंगा आपकी मैं। 35 अकील प्रेजेंट सर। ओके 36 37 तो जो काम आपको दिया है बेटा अच्छे तरीके से घर में करोगे, ओके यू अंडरस्टैंड? यस सर यस सर। अच्छा हाथ बताओ, हाथ उठाओ, नमाज किस किसने पढ़ी? मैंने। अकील आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अकील आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मैं भूल गया। बोल गया अच्छा ना आप मस्जिद के नियम बताओ, मस्जिद मत बंद। अरे ये लेट उठता है, आप नमाज पढ़ने नहीं आते हो, ये पढ़ते हो और लेट उठता है। पता है पता है, जो आदमी लेट उठता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। शैतान पच कानन मत करना पेशाब, कमजोर पच क्या पढ़ोगे? यस सर। हाँ इंशाल्लाह बोलो ना साथ में इंशाल्लाह। हाँ रुबान आप ही नमाज नहीं पढ़ते हो, मत पढ़ते हो है ना जिगर? कल से आज से नमाज पढ़ोगे, ओके ओके। और बुक रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, अब अच्छे बच्चे हो। कल मैं रीडिंग सुनूंगा आपकी इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, मैं मॉर्निंग की कभी कभी पढ़ता हूँ। कभी 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 यस। ये कौन कभी कौन पढ़ता है कभी कभी? ये कौन बोलता है कभी कभी पढ़ता हूँ? मॉर्निंग में मैं कभी कभी पढ़ पाता हूँ, बाकी मैं सारी पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई बोलेगा खाना कभी कभी खाओ मानोगे आप? आप मानोगे? अगर मौज वाइने पगा खींचे बात कल के खींचे ना बात के दोन दोन खींचे ना बात के समान खा मां मानक। जब अपने पेट को खुश करते हो तो अपने रब को भी खुश करो ना, अपने अल्लाह को भी राजी करो। और कहते हैं जो नमाज पढ़ता है उसकी उम्र लंबी हो जाती है, उसकी एज लंबी हो जाती है, अल्लाह उसकी एज को बढ़ा देता है, वो बूढ़ा नहीं होता जवान ही रहता है। और बूढ़ा होता भी है लेकिन लेट से मरता है वो, तो नमाज का कितना फायदा है। कयामत कितना आंखों में नूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, हाथों पे नूर होगा। तो इंशाल्लाह बोलो कल से सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आज इतना इंशाल्लाह, दूसरी क्लास आपको पता नहीं ज्वाइन करनी होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।